जो प्रीवियस केस में भी जो जितने दिन जेल में रखे हैं वो भी काउंट किया गया, पहले मिली है तीन केस में, उम्मीद करते हैं कि इसमें भी मिलेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई रांची की सीबीआई अदालत ने, और उसके बाद ये तय हो गया कि अब लालू यादव को जेल में रहना होगा। और जेल से निकलने के लिए लालू यादव के पास जो मौजूदा समय में विकल्प है वो केवल जमानत का है। मतलब ये कि लालू यादव, जिनको 5 साल की सजा डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सुनाई गई है, उनको जेल से बाहर आने के लिए अब बेल पिटीशन फाइल करना होगा और जमानत मंजूर होने के बाद ही वो जेल से बाहर आ पाएंगे। इसके पहले लालू अलग अलग मामलों में जमानत पर बाहर हैं, लेकिन ये चूंकि ताज़ा मामला है तो इस मामले में लालू यादव को जमानत याचिका लगानी होगी। जैसे सीबीआई कोर्ट का फैसला आया वैसे ही जो लालू यादव के वकील हैं वो अपने कानूनी पहलू को समझने में जुट गए हैं, और जो रांची में लालू यादव के वकील हैं उनका कहना है कि चूंकि 5 साल की सजा लालू यादव को सुनाई गई है तो लालू यादव ने इस केस में भी जब सीबीआई ने चार्जशीट किया उस वक्त लालू यादव जो है वो जेल में थे, तो इस केस में भी लालू यादव लगभग 2.5 साल की जो सजा अवधि है वो पूरी कर चुके हैं। तो 5 साल का आधा हिस्सा मतलब 2.5 साल की अवधि उन्होंने कारावास के तौर पे काटी है, और इसी ग्राउंड पर उनको ये उम्मीद है कि लालू यादव की जो बेल पिटीशन है वो मंजूर हो जाएगी। अब बेल पिटीशन कब फाइल होगा फिलहाल ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन जितना जरूर है कि लालू यादव के वकील इस पूरे मसले पर होमवर्क करने में जुट गए हैं और उनको लगता है कि लालू यादव को जो बेल है वो मिल जाएगी इस मामले में। हमने आपको पहले भी बताया था कि लालू यादव के वकील ये कह रहे हैं कि अगर 6 साल की सज़ा सुनाई जाती या 5 साल से ज़्यादा की सज़ा होती तो ऐसी स्थिति में परेशानी हो सकती थी और लालू यादव को वो अवधि जेल के अंदर गुजारनी पड़ती, जिस अवधि को जेल में गुजारने के बाद लालू आधी सजा पूरी करने का दावा कर पाते कोर्ट के सामने। तो फिलहाल एक ऐसी बात लगती है कि लालू यादव के वकीलों को कि एक राहत उनको मिल सकती है इस ग्राउंड पे। तर्क क्या दिया है वकीलों ने? तर्क दिया है कि जो बाकी मामले चल रहे थे उस मामले में कोर्ट ने यह कहा था कि जो सजा है, चूंकि केस अलग अलग दर्ज हुए, सजा अलग अलग ऐलान हुआ, लेकिन सभी सजा जो है वो एक ही साथ जो है वो पूरी कर सकते हैं लालू यादव, उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तर्क जो है वो वकीलों की तरफ से दिया जा रहा है। तो उस लिहाज से उम्मीद है कि जल्द लालू यादव के जो वकील हैं वो बेल पिटीशन फाइल करेंगे। आज सजा के ऐलान के बाद लालू यादव के वकील ने क्या कहा है आपको वो सुनवाते हैं, और पहले डिटेल्स हमने आपको बता दिया है कि दरअसल लालू की जमानत को लेकर के कानूनी पहलू क्या है लालू यादव के वकीलों के नजरिए से। चलते चलते आपको बाइट सुनवाते हैं, बयान सुनवाते हैं लालू यादव के वकील का। क्या इस बेसिस पे उनको बेल नहीं, इस आदेश में ही लिखा दिया गया है कि सभी सेंटेंस का करेंटली चलेंगे, तो जो प्रीवियस केस में भी जो जितने दिन जेल में रखे हैं वो भी काउंट किया गया। मतलब इनसे तो क्या हिसाब से जो है वो 2.5 साल से ज्यादा इस केस में रखे। लालू यादव क्या लगता है इनसे कि आधी सजा पूरी होने के कागजात पे इनको बेल मिलेगी? पहले मिली है तीन केस में, उम्मीद करते हैं कि इसमें भी मिलेगी। 5 साल की सजा दी गई है और 7 लाख रुपया फाइन। क्या कहा गया आप लोग कुछ बचाव पक्ष में? कुछ सजा खाली सुनाया गया, 5 साल की सजा हुई है, 7 लाख फाइन। आज कुल कितने जो दोषी थे उनको सजा सुनाई गई है? 38। सबसे ज्यादा और सबसे न्यूनतम क्या कुछ सजा? मैक्सिमम 5 ईयर्स है, मिनिमम 3 ईयर्स। और फाइन? फाइन तो है करीब 1 लाख रुपया से लेकर 1.5 करोड़ रुपया। सर आगे क्या रहेगा? मतलब फिर फाइट करेंगे सर? क्या रहेगा सर? आधार आप जजमेंट की कॉपी मिलने के बाद में आधार बनाएंगे, उसमें किस तरह